उसका जो है वो मुंह पे है, तो अग्रेशन आप में भी आ जाएगा। आई थिंक कोई संत महात्मा को भी ऐसे रख दो तो वो अग्रेशन आ ही जाएगा। मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पसंद है ना, आई रियली होप एवरीबडी वोट्स फॉर हिम एंड प्लीज मेक हिम विन। हम गए थे तो हम तो नए थे, हमको पता ही नहीं था कि बिग बॉस है क्या, और आपका जो दिमाग है शायद ही पूरे घर में कोई उसे मैच कर सके। आई लव सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत देखती हूँ मैं तो, रोज देखती हूँ मैं, तेरे को दिखाती हूँ। मेरे पास बिग बॉस का ग्रुप भी, हमारा नाम है बिग बॉसियंस। बड़े सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं उस ग्रुप में, नाम नहीं बताऊंगी। ये देख शुरू हो गया ग्रुप मेरा। दिस ग्रुप इज कॉल्ड द बिग बॉसियंस, ओके द बिग बॉसियंस। इसमें बड़े काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं पूरी इंडस्ट्री के, एंड काफ़ी सारे चेहरे जो आप लोग जानते हैं, और सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिग बॉस डिसऑर्डर के शिकार हैं। हम रोज़ एपिसोड देखते हैं, चाहे रात को 1 बजे हो चाहे रात को 2 बजे हो, एपिसोड तो देखना ही देखना है। और इससे पहले कि तुम पूछो, मेरा फेवरेट है सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, मैंने उन्हें स्क्रीन पर ही देखा, बालिका वधू या वो जो रश्मि के साथ जो शो था उसी पे देखा है, और मुझे वो इंसान बहुत पसंद आया। इनिशियल 2-3 हफ्तों में तो आप किसी को नहीं जानते, सिर्फ रश्मि के मैं किसी को नहीं जानती थी। सर अच्छा अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, अच्छा ये क्यों ऐसे चला रहा है। बाद में पता चला कि यू नो एटलीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट, उसका जो है वो मुँह पे है, एंड दैट मैन हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन्स, लॉट ऑफ लॉजिक, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अग्रेशन बिग बॉस के घर में कभी कभी ना आपको अपने परिवार के साथ घर के अंदर बंद करके चाबी फेंक दी जाए, आपका फ़ोन ले लिया जाए, टेलीविजन ले लिया जाए, और आपसे वो सारे साधन ले लिए जाएँ जिससे आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सके, तो अग्रेशन आप में भी आ जाएगा। आई थिंक कोई संत महात्मा को भी ऐसे रख दो तो वो अग्रेशन आ ही जाएगा। सी बिग बॉस को बिग बॉस के दायरे से ही देखे तो बेहतर है। एंड जैसे जब मैं बिग बॉस में गई थी पहले सीजन में, तब रवि मेरा दोस्त था, कश्मीरा मेरी दोस्त थी, इनको मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन अंदर जाके कैरल मेरी दोस्त बनी। सो बिग बॉस की एक अपनी दुनिया है, वहाँ क्या होता है आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, एंड उससे बाहर निकलने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, पूरी की पूरी बदल जाती है। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप अपनी पूरी ज़िंदगी उन मैं 70 दिन अंदर थी तो या 270 डेज में आई लिव्ड एन एंटायर लाइफ टाइम इन दैट हाउस, एंड आई सीरियसली होप दैट ऑनेस्ट प्लेयर शुड विन दिस गेम। मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पसंद है ना, आई रियली होप एवरीबडी वोट्स फॉर हिम एंड प्लीज मेक हिम विन। मैं क्या एडवाइस दूंगी यार, सारे दिग्गज खिलाड़ी, जब हम गए थे तो हम तो सब नए थे, हमको पता ही नहीं था कि बिग बॉस है क्या, बट एडवाइस सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला को यही देना चाहूँगी कि जैसा खेल रहे हैं आप प्लीज़ वैसा ही खेलिए, आप कमाल का खेलते हैं, और आपका जो दिमाग है शायद ही पूरे घर में कोई उसे मैच कर सके। आई एम रियली लाइकिंग पारस छाबरा एंड मायरा ऑल्सो, ऑनेस्ट गेम दे प्ले, जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, ये नहीं कि पीठ पीछे बकवास करते हैं और मुंह पे जाके कुछ और बोलते हैं। सो दिस थ्री पीपल आई रियली लाइक फॉर बीइंग व्हाट दे आर ऑन द फेस। सो सिद्धार्थ शुक्ला प्लीज़ प्ले द वे यू आर प्लेइंग, यू आर फैबुलस, यू आर फैंटास्टिक डिस्पाइट द अग्रेशन। आई लव सिद्धार्थ शुक्ला, दिस इज जया भट्टाचार्य डूइंग बुलशिट हियर। से यू लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, से वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। Okay, good, good. I just love Rupali. We are all animal valleys. Big Boss. दादागिरी कर रही है यार, हद होती है, चलो। अरे Big Boss, addiction है मेरा। हाँ, Big Boss. Sid, please vote, vote for whoever. Vote for Siddharth Shukla. This is my interview. Top three में obviously Siddharth Shukla. And I think Aarti Singh is playing fabulous. I like her too. Paras, I like Mahira too. So in charo ko main dekhna chahungi, top 3 nahi top 4 rakho now.